ऑनर मिस फॉर्च्य सिस्टम तो ये सारे वो वर्ड्स है और आपको क्या करना है ये वर्ड आपने सुना तो बहुत अच्छी बात है नहीं सुना तो आपको उसके मीनिंग है ठीक है मीनिंग लुक एट दिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेट इन वॉट विद स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल आपको क्या करना है जो पिक्चर्स इस uh, मतलब चैप्टर में दे रखी है उसको देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि जो ये वाला स्कूल है ये जो नॉर्मल स्कूल बाकी के होते हैं उनसे किस तरह से अलग है नाउ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर का नाम भी क्या है एक अलग तरह का स्कूल आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल मैंने मतलब काफी कुछ सुना था अबाउट मिस बीम्स स्कूल ये एक नाम दे रखा है कि मैंने इनके स्कूल के बारे में काफी कुछ सुना था बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस का टू विजिट इट मतलब मुझे जो मौका मिला लास्ट वीक तक नहीं मतलब लास्ट वीक में एकदम मिला है उससे पहले तक मुझे कभी मौका नहीं मिला था कि मैं उस स्कूल में जाके विजिट करूं। अब जो भी ये स्टोरी सुना रहे हैं वो चीज है ठीक है? यानी कि जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था देयर वॉज नो वन बट एक लड़की थी अराउंड उस वो बारह साल की ट्वेल्व इस की हर आईज वर कवर्ड बैंडेज उसकी जो आंखें थी वो बैंडेज से कवर्ड थी एंड शी flower beds बिटवीन द फ्लावर boy बाय अ लिटिल बॉय हुयर यंगर अब क्या हो रहा था जो छोटा बच्चा है ना उसके साथ एक वो फोर ईयर का मतलब उससे फोर ईयर यंगर था एक छोटा बच्चा जो उसको लेके आ रहा था और एक काइंड kind ऑफ of, मतलब uh, मतलब जो फ्लावर बेड काइंड ऑफ जगह थी वहाँ से वो लेके आ रहा था जो uh, उस लड़की से चार साल यंगर लड़का था वो शी स्टॉप्ड एंड इट लुकड लाइक शी आस्ट हिम हैड कम वो रुक गई और ऐसा लगा जैसे उस लड़की ने जो उसके साथ लड़का था उससे पूछा था कि कौन आया है He seemed to be describing me to her. तो जो वो लड़का था वो मुझे जैसा मैं दिखता हूँ या जैसा भी है मुझे describe कर रहा था उसको She seemed to be describing me to her. Then they passed on. उसके बाद क्या हुआ वो आगे बढ़ गए मिस बीम दैट आई हैड एक्सपेक्टेड काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग अब ना कि इनका स्कूल है जो राइटर है उन्होंने uh, expect किया था मिडल एज मतलब बीच की उम्र की थी बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब उनके अंदर ये फीलिंग थी ना कि हाँ मेरा स्कूल है और वो सब चीज लेकिन काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब काइंड भी थी और काफी समझदार लाइक like दूसरों को समझने वाली भी थी हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड मतलब कि उनके जो बाल थे वो वाइट होने लगे थे दूसरी चीज उनकी जो फिगर थी वो मतलब जिस तरह उनका बॉडी शेप था वो प्लम्प था ना प्लम्प मतलब लिखा है स्टाउट या फेट। बहुत फैट फैट नहीं होना होना बट मतलब थोड़ा फैट होना। तो वो ऐसी फिगर थी कि कोई भी होम सेक चाइल्ड जो घर में मिस कर रहा हो किसी को भी उसको भी मतलब ओके उक, लगे कि हाँ ठीक है कोई है मेरे साथ काइंड kind ऑफ of, उस टाइप की उनकी फिगर थी आई आस्ट हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड मैंने उनसे उनके कुछ टीचिंग मैथर्ड के बारे में पूछा जो मैंने सुना था कि बहुत सिंपल थे नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपली स्पेलिंग्स एडिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग क्या लिखा है नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स मतलब कि कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी सिंपल चीजें थी सिंपल स्पेलिंग्स हो गई एडिंग हो गई सब्सट्रैक्शन हो गया मल्टीप्लाइंग हो गई जो बेसिक चीजें होती है वो और जो ये सब चीजें तो वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत और जो बाकी की चीजें हैं वो रीडिंग करके उनको रीड करवाना पड़ता है और उनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक्स देखो रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक जो चीजें सिखाई जाती हैं थोड़ा बातचीत से और उनको पढ़वा के सिखाई जाती है

नाना है, उनको थॉटफुलनेस सिखानी है तो थॉटफुलनेस का मतलब है कि वो दूसरों के साथ काइंड रहे अच्छे रहे एंड वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने ये चीजें उन्हें सिखानी है लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू तुम बाहर देखो विंडो के और एक बार तुम देखोगे तो जो मैम है वो उसको जो ऑथर है उनको बोलती हैं आई हैव वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक मतलब वो विंडो पे गए वहाँ पे क्या हुआ लार्ज गार्डन और प्लेग्राउंड उनको पीछे की साइड दिखा वट डू यू सी मिस बीम आज जब वो विंडो की साइड गए तो मिस बीम ने उनसे पूछा जो ये स्टोरी बता रहे हैं कि तुम क्या देखते हो I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. उन्होंने क्या बोला जो author थे उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही सुंदर सुंदर grounds देख पा रहा हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क देख पा रहा हूँ और बच्चे देख पा रहा हूँ जॉली नेचर के जो खुश हैं, हंसमुख हैं, ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है ये देख के कि ये जो बच्चे है ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं है ना ही ये एक्टिव लुकिंग है या मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव ठीक है वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल about। मतलब वो जब वापस आ, मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा था कि एक बच्चे को कोई साथ में लेके आ रहा था मतलब उनके साथ कोई आ रहा था उस लड़की के साथ में जो सबसे पहले ऑथर को मिली थी शी हैज ट्रबल विद हर आईज उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है उसकी आईज में शी हैज ट्रबल मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम है उसकी आईज में सॉरी <laughs> <coughs> सो शी हैज सम्रबल विद हर आईज तो वो जो लड़की उन्होंने आते हुए देखी थी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी उसकी आईज में नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी मैं देख सकता हूँ कि और भी दो हैं जिनको है जिनको सेम डिफिकल्टी है एंड देर इज अ गर्ल विद्रच वॉचिंग दर्स एट प्ले और वहां एक लड़की है जिसके पास एक क्रच है और वो दूसरों को देख रही है खेलते हुए शी सीम टू बी अपलेस क्रिपल वो एक होपलेस क्रिपल लग रही है एज एन की जो खुद नहीं वॉक कर सकती एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा होपफुल या खुश नहीं है मिस नॉट रियलीम दिस इज द ओनली हर लेम डे दस आर नॉट ब्लाइंड आट इज ओनली देर ब्लाइंड डे तो उन्होंने क्या बोला मिस बीम ने बोला की अरे नहीं ये एक्चुअली लेम मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअली नहीं है कि वो चल नहीं सकती है वो उसका लेम डे है जब मतलब वो चलेगी नहीं द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर जो दूसरे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है बस उनका ये ब्लाइंड है अब उन्होंने क्या बोला आई मस्ट हैव वेरी फॉर शी लाव अगेन मतलब ये बातें सुन के कि क्या बोल गई ये तो उनको बहुत शॉकिंग लगा वो बहुत सरप्राइज थे तो वो फिर से हंसती हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का

जब हम चाहते हैं कि दूसरे बच्चे जैसे बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों का दुख समझे तो हम उनके लिए लेम डे या फिर जिसे ब्लाइंड डे कहते हैं वो सेलिब्रेट करवाते हैं तो बेसिकली जिस दिन ब्लाइंड डे हो गया तो उस दिन बच्चे प्रिपेयर लाइक दे विल बिहेव एज दे आर ब्लाइंड ताकि वो एक्चुअली जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनका दुख समझ सके और इन द सेम वे लेम डे मतलब कि हम एक ऐसा डे जिसमें बच्चे क्रिपल की तरह वर्क करेंगे जैसे उनके पैरों में या हाथ में प्रॉब्लम है बिकॉज वो उस दिन उन बच्चों के बारे में समझ पाएंगे उन बच्चों का दर्द या जो भी होता है ना उनकी फीलिंग समझ पाएंगे जो एक्चुअली नहीं खेल सकते ईच टर्म Every child has one 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 blind day, one lame day, one day, one injured day, and one dumb day. lame deaf injured and dumb क्या बोला हर टर्म में जैसे एग्जाम्स होते हैं तो हर टर्म होते हैं term, term, और हर स्कूल का अपना अलग हिसाब होता है तो यहाँ पे हर उस पे एक ब्लाइंड डे होता है एक लेम डे होता है एक डीफ डे होता है ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देर आईज आर बैंडेज एप्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देअर honor not to peep मतलब कि होता क्या है ब्लाइंड डे वाले दिन उनकी आइज को बैंडेड बैंडेज कर देते हैं और ये अब उनके ऊपर है कि वो देखेंगे तो नहीं छुपके से तो हम नॉर्मली ये करते हैं ब्लाइंड डे पे कि उनकी आईज को पूरा कवर कर देते हैं और फिर वो देख नहीं पाते उस दिन के लिए क्योंकि वो उस दिन उन बच्चों के बारे में समझ सकते हैं जो एक्चुअली ब्लाइंड है और जिनको कोई भी प्रॉब्लम है द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर सो दे वेक ब्लाइंड और वो जो बैंडेज होती है वो रात भर उनको पहनाई जाती है ताकि जब वो उठें तो उन्हें दिखे भी नहीं दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरी

जो ब्लाइंड है वो चाहे जो हेल्पर्स हैं ये सारे हर चीज को समझ पाते हैं इस तरह से ठीक है देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट मिस बीम कंटिन्यूड एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थाटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉज वॉट मिस फॉर्च्यूनिज मतलब उन्होंने बोला मिस बीम ने कि ये कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है जो ये हम कर रहे हैं बिकॉज uh, हर कोई यहाँ पर काइंड है और दूसरी चीज़ जैसे ही डे ओवर होने वाला होता है और उनका जो भी डे है वो ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले जो बहुत ही थाटलेस भी हो जो किसी के बारे में सोचता भी न, ना हो वो बच्चा भी रियलाइज कर कर जाता है कि मिस फॉर्च्यून क्या है मतलब मिस फॉर्च्यून या जो भी चीज कहते हैं ना बैड लक या किसी का मतलब जिसके के साथ बहुत गलत हो रहा है वो चीज़ हर कोई हर एक बच्चा समझ जाता है कि एक्चुअल मिसफॉर्च्यून क्या है क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो ब्लाइंड है असली में तो उसका दर्द अब जब इन्होंने एक दिन एक, एक ब्लाइंड डे बनाया तो सारे जो बच्चे जो जो बने और जो हेल्पर्स थे उनके साथ के वो समझ पाएंगे कि उन्हें एक्चुअली कितनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बोलना कि हम समझते हैं और वो चीज महसूस करना इट्स वेरी डिफरेंट थिंग तो ये इसके तरह से क्या होता है वो समझ पाते हैं द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन

बैंडेज नहीं कर सकते बच्चों के मुंह को ऑब्वियसली किसी बच्चे के मुंह को बैंडेज तो नहीं कर सकते जबरदस्ती तो हम बच्चों की ये विल पावर पे है कि वो चुप रहे और किसी से बात ना करें कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट तो मिस बीम बोलती है कि आओ गार्डन में आओ और फिर देखो कि क्या बच्चे एक्चुअली कैसा फील करते हैं लेके लेके आई आई मुझे? एक bandage लड़की के पास और उन्होंने Miss Beam ने बोला उस लड़की को देखो एक जेंटलमैन है जो तुमसे बात करने के लिए आए हैं इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू ठीक है मिस बीम उनको ले गई जो ऑथर है जो राइटर है एक बैंड एक लड़की के पास जिन्होंने बैंडेज कर रखी थी और कहते देखो तुम खुद ही बात करो तो वो पूछते हैं जो जिन्होंने स्टोरी लिखी है डोंट यू एवर पीप क्या तुम कभी भी पीप मतलब तुम चुपके से नहीं देखती हो आई आज द गर्ल मैंने लड़की से पूछा ओ नो शी एक्सक्लेम दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड यू कैंड सी अ थिंग यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन तो उन्होंने जो लड़की थी उसने बोला कि नहीं मैं ऐसे पीप करके चुपके से नहीं देखती हूँ बिकॉज वो चीटिंग हो जाएगी वो सही नहीं रहेगा बट यस yes, एक चीज और जो मुझे मतलब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना कितना कितना मतलब अपने आप में कितना बुरा है क्योंकि मैं एक भी चीज़ नहीं देख पाती हूँ या फिर मुझे हर बार ये डर रहता है कि कहीं मैं हिट, मुझे कोई हिट ना कर दे या मुझे कोई मार ना दे कोई चीज मुझे ना लग जाए और सबसे बेटर जो पोजिशन होती है उस टाइम पे वो होती है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं रहेगा क्या कहते हैं जो ऑथर है वो पूछते हैं की जो तुम्हारे हेल्पर्स है क्या वो तुम्हारे साथ काफी काइंड है अच्छे है आई आस्ट फेयरली मतलब ठीक ठाक बट दे आर नॉट एज केयरफुलज आई शेल बी वेन इट इज माई टर्न मतलब की वो इतने भी केयरफुल नहीं है जितने जितना होना चाहिए और जितनी मैं होती हूँ जब मेरी टर्न आती है दोज बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स मतलब जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं लाइक like जिन्होंने ये डे बना रखा है पहले फॉर एग्जाम्पल आज मैं ब्लाइंड बट uh, मेरी टर्न है तो मैं ब्लाइंड वाला बिहेव कर रही हूँ तो जो एक्चुअली हो चुके हैं वो ज्यादा अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाते हैं बिकॉज वो समझ पाते हैं कि जो ब्लाइंड अभी बिहेव कर रहा है उसको क्या डिफिकल्टी होगी इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी आई विश यू वुड ट्राई मतलब ठीक है अगर आप ट्राई अगर आप नहीं देखो ये ठीक है इट्स ओके okay. और मैं मतलब बोलूंगी कि आपको भी ट्राई करना चाहिए तो वो बोलता है जो ऑथर है शेल आई लीड यू एनी क्या मुझे मैं तुम्हें तो कहीं लेके जाऊ ओ ये शी सेट लेट्स गो फॉर आ लिटिल वॉक ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स आई शेल बी सो ग्लैड वेन टू डे इज ओवर द अदर बैड डेज कान बी हाफ एज बैड एज दिस उन्होंने क्या बोला कि चलो हाँ मुझे लेके जाओ थोड़ी सी वॉक पे चलते हैं और ओनली यू मस्ट टेल मी मतलब तुम ही मुझे बता पाओगे चीजों के बारे में और मैं आज जब ये फाइनली ये दिन खत्म होगा आई शेल बी सो ग्लैड जब ये दिन खत्म होगा मैं बहुत खुश होंगी और कोई भी जो भी डे हम बनाते हैं इससे बुरा डे कोई नहीं होता ंग अग टाइड अपना क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस तो वो बोलता है बोलती है कि एकदम उस पे क्रच पे जब पैर मतलब आपका ऐसे टाई होता है या ढंग से चल नहीं पाते तो एक बार को वो भी बेटर है जो आम जब अप होती है वो ट्रबल सम है बिकॉज आप कुछ खा नहीं सकते विदाउट हेल्प अगर हाथ पैरों में जब कुछ बंदा होता है तो चलने में दिक्कत होती है बट वो फिर भी ओके है और जब हाथ में ये इश्यू होता है तो क्या होता है मतलब जब आम बंदी होती है तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिना हेल्प के खाया भी नहीं जाता एंड थिंग्स लाइक दैट आई आई डोंट थिंक माइंड फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट उसने क्या बताया कि पैरों का जब जब पैर बंदे होते हैं उसको बिहेव करना पड़ता है एज अ क्रपल तो उसको कम दिक्कत होती है उसके लिए थोड़ा फन है वो कोई बात नहीं वो चल लेता है जब उसके हाथ थोड़े बंदे होते हैं तब उसको प्रॉब्लम होती है, है बिकॉज वो खुद से नहीं खा सकती और उसको सामने वाले पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर फूड बट जब वो ब्लाइंड डे यानी वो एज अ ब्लाइंड बिहेव करते हैं तो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड फ्राइटनिंग थिंग बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग क्योंकि उसका सर पूरे टाइम दर्द करता रहता है ये सोच के कि कहीं ना कहीं उसे चोट लग जाएगी आई गेट हर्ट वे आर आर वी नाउ इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस तो वो जब पूछती है लड़की कि हम कहाँ पर हैं तो ये जो ऑथर है वो बोलते हैं राइटर जो है इन द प्ले ग्राउंड हम प्ले ग्राउंड में हैं आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस हम घर की तरफ जा रहे हैं मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद गर्ल जो मिस बीम है वो ऊपर और नीचे वॉक कर रही हैं गार्डन में एक बड़ी सी लड़की के साथ तो उन्होंने पूछा वॉट इज द गर्ल वियरिंग ने जो थी जो उस दिन ब्लाइंड वाला बिहेव कर रही थी वो पूछती है कि जो लड़की है उसने क्या पहना है अ लिटिल फ्रेंड माई लिटिल फ्रेंड आस्ट जो लड़की थी वो पूछती है राइटर से कि उस लड़की ने क्या पहना है अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज उसने क्या बोला एक कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज तो वो बोलती है लड़की आई थिंक इट्स मिली शी सेट वॉट कलर इज हर हेयर तो उसने बोला मुझे लगता है, ये मिली है तो वो बोलता है फिर वो बोलती है वॉक कर रही है उसके बालों का कलर क्या है तो राइटर बोलता है बहुत हल्का वेरी लाइट आई सेट यस दैट्स मिली शी इज देड गर्ल वो मिली है वो हेड गर्ल है यहाँ की देर इज एन ओल्ड मैन टाइपिंग अप रोजेज और एक बहुत ही बूढ़े से क्या कहते हैं अंकल हैं है, मैन हैं जो रोजेस को बांध रहे हैं यस दैट्स पीटर ही इज द गार्डनर ही इज हंड्रेड ऑफ इयर ओल्ड तो वो जो लड़की है वो बोलती है हाँ वो पीटर है वो गार्डनर है मतलब माली है और वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर शीज ऑन क्रचेज तो वो बोलते जो क्या कहते हैं जो राइटर है वो उस लड़की को बता रहा है कि एक लड़की आई है जिसके रेड हेयर है कर्ली रेड हेयर और वो क्रचेस पे है दैट्स अनिता शी सेट वो अनिता है मतलब उसका नाम अनिता है And so we walked on gradually I discovered that I was ten times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. हम चलते गए और धीरे धीरे हमने क्या कह कहते हैं ये रियलाइज किया उसने मतलब जो राइटर है उसने रियलाइज किया कि मैं टेन टाइम ज्यादा थाटफुल हूँ जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा और दूसरी चीज जब हम कोई चीज किसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि देखो वो वहाँ पर ये कर रहा है वो ये कर रही है हम किसी को समझाते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से मतलब उस चीज को सोचते हैं या उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं हम नॉर्मली सिर्फ खुद ऑब्जर्व करें बट दिखाने में समझाने में हम ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं इट मेड मोर इंटरेस्टिंग टू मी वो चीजें मेरे लिए इंटरेस्टिंग और हो जाती हैं जब मैं उनको समझाती हूँ जब मुझे फाइनली जाना था तो मैंने मिस बीम को बोला कि आई एम वेरी सॉरी दैट आई हैव टू गो मतलब जैसे आप न, कहीं जा, कहीं से जाते हो तो आप ऐसे बोलते हो आशी प्राइड देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम देन आशी रिप्लाइड देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल वो कहती है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में बात है तो क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे बड़ा मतलब एक तरह तो से होता रहा है एम सॉरी टू गो और मेरा मन नहीं है बट आई हैव टू गो तो वो बोलती है कि पक्का इसका मतलब डेफिनेटली मेरे सिस्टम में कुछ और है और ये लाइन क्यों यहां पे बोली गई है बिकॉज चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि उन्होंने बोला था कि देर इज समथिंग इन मिस जो मिस मिस भीम का स्कूल है उसके बारे में कुछ ना कुछ बात है जस्ट अ मिनट हाँ देखो मिस बीम स्कूल बट नॉट इन लास्ट वीक एंड देर इज अ ग्रेट डील मतलब कुछ ना कुछ कुछ बात है मिस बीम के स्कूल के बारे में और जब वो वहां से वापस जा रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि आ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहां से जाते, ऐसा नहीं है कि वो स्पेशली एबल्ड थे बट दे बिहेविंग ए स्पेशली एबल्ड बिकॉज उनको वो चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो पाई इस चीज से कि सामने वाले के साथ जब वो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसको तो पूरी लाइफ उसी चीज के साथ रह